अमन इलेक्ट्रिकल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको रोटरी स्विच के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने इंडस्ट्री लाइन में देखा होगा, ये पैनल में यूज़ करे जाते हैं, या आपने डीजी में देखा होगा जनरेटर सेट पैनल में। इंडस्ट्री लाइन में दोस्तों जो हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड में उन उनके लिए ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। ऑटो मैनुअल आपने देखा होगा कि जहाँ पर हम ऑटो करते हैं तो ऑटोमेटिक वर्क होता है, पर इसमें सेंसर लगा होता है उसकी वजह से ऑटोमेटिक होता है। ऑफ में तो दोस्तों ऑफ है हमारा, मैनुअल में दोस्तों हम खुद इसे ऑन करते हैं पुश बटन से। तो दोस्तों ये हमारे पास ये वन पोल का आपको दिख रहा है, यहाँ पर सिंगल पोल। तो यहाँ पर हम सिंगल फेस का है, और यहाँ पर हमारा ये फोर पोल का है, इसमें हम थ्री फेस और न्यूट्रल ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे हम बहुत काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा ऑटो मैनुअल, तो यहाँ पर हम दोस्तों ऑटो मैनुअल इसे यूज़ कर सकते हैं कुछ फंक्शन बना के। वो दोस्तों आपके ऊपर ही, आप इसमें इसमें क्या जोड़ते हो कि आपको ऐसा फंक्शन है चाहिए। अगर आपको थ्री फेज से इसमें चेंज ओवर करवाना है, आप चेंज ओवर भी करवा सकते हो। इससे दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास ये भी दोस्तों फोर पोल का ही है। तो दोस्तों इसे इसे फिट करने के बारे में आपको बताता हूँ, इसे फिट कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास फोर पोल को मैं फिट कर रहा हूँ रोटरी स्विच को। तो सबसे पहले आपको इस स्क्रू को खोलना है जो बीच में है। इस स्क्रू को दोस्तों खोलने के बाद यहाँ पर इसका कवर आ जाएगा, ये बाहर आप देख रहे हैं। इस कवर को दोस्तों हमें यहाँ से खोल देना है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ से टेस्टर डाल के दोस्तों ऊपर से खोल लेना, और ये खुल जाएगा इसका ऊपर का कवर। इसके बाद दोस्तों एक और कवर है यहाँ पर, आपको ये आपको छेद आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इसके बीच में टेस्टर डालना है और ये खुल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका कवर खुल गया, और मैं इसको पैनल में इसे फिट करूँगा। दोस्तों अभी लॉकडाउन है इसलिए हमारे पास चीज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने एक एक पेपर का लिया, कार्डबोर्ड का। तो दोस्तों इसमें पैनल में भी दोस्तों ऐसी फिटिंग ही होती है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसका कवर लेना है। आपको जितने ये छेद आपको दिख रहे हैं इसके बारे में बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ स्क्रू लगाने हैं। तो ये अभी दोस्तों मेरे पास पैनल की शीट नहीं है, तो मैं आपको एक कार्डबोर्ड से दिखाऊंगा जो ये गत्ता। तो सबसे पहले आपको ये नीचे रखना है यहाँ पर ऐसे, और दोस्तों आपको ये बीच में दिख रहा है गोल, ये गोल हमारा दोस्तों ये वाला जो ये है, ये जो हमारा स्विच है नोब है इसकी घूमेगी, तो ये हमारा बीच में है। और ये आपको ये चार पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे स्क्रू के 1 2 3 4, ये हमारे चार स्क्रू के लगेंगे कि जो हमारे इसमें फिट होगा, और ये बीच वाली हमारी नोब है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये ऐसे रखना है, और उसके बाद ये गोल वाली चीज में बीच में आपको गोल मार लेना, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शायद। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रखना है, गोल होने के बाद दोस्तों आपको इसे हिलाना नहीं है। अगर आपको हिल जाता है तो आपके स्क्रू है वो आपके ठीक से नहीं लगेंगे। गोल मारने के बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, गोल यहाँ पर और यहाँ पर भी मार देना है, चारों जगह में आपको निशानी मार देनी है कि ये हमारे स्क्रू की निशानी थी 1 2 3 4। और उसके बाद ये बीच वाला मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये हमारा रोटरी स्विच की नोब थी। तो दोस्तों ऐसी ऐसे निशान आ जाएंगे जो कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये हमारे निशान आ गए, तो ये मैंने आपको बताया था ये बीच में अगर ये आएगा, और ये जो हमारे चार गोले गोले जो बनाए हैं ये हमारे इसके स्क्रू के हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये फिटिंग हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसे फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों होल कर लेने हैं, आप अपने हिसाब से होल कर लीजिए यहाँ पर, जितने जितने यहाँ पर होल मारे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले से इसमें होल मारे हुए, आप जैसे कि देख रहे हैं, तो इसकी फिटिंग कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसे पीछे से आप ऐसे फिट कर लेना, ये जो बड़ा सा गोला है इसके अंदर फिट कर लेना, ये आप देख रहे हैं बड़ा गोला दोस्तों मैंने इसके अंदर इसमें फिट कर लिया कि जो हमारा नोब है वो इसकी बाहर आ गई है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमने इससे मार्किंग करी थी, इसके बाद दोस्तों हमें इसे रखना,
इस मार्किंग के बाद दोस्तों हमारे पास स्क्रू आते हैं इसमें 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 चार स्क्रू आते हैं, दो ये आए हैं दो ये हैं, आप देख रहे हैं चार स्क्रू हैं। इन चारों स्क्रू को दोस्तों यहाँ मैंने होल थे मारे 1 2 3 4, तो इन चारों पे स्क्रू में लगा देना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लगा रहा हूँ, दोस्तों एक स्क्रू लगा दिया हमने, दूसरा स्क्रू स्क्रू भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा स्क्रू भी लगा दिया, तीसरा स्क्रू भी लगा देते हैं यहाँ पर दोस्तों। ये दोस्तों स्क्रू इसलिए कि हमारे ये पैनल की होते हैं, जो पैनल होते हैं उसमें टाइट हो जाए बिल्कुल और ये हिले ना। मैं आपको अभी दिखाऊंगा दोस्तों, ये मैंने तीन स्क्रू लगा दिए और एक स्क्रू और था, तो यहाँ पर हमने चारों स्क्रू लगा दिए। चार स्क्रू आते हैं दोस्तों इसमें, और यहाँ पर दोस्तों हमने चार स्क्रू फिट कर लिए आपके सामने। तो दोस्तों जैसे आपने देखा यहाँ पर हमने चार स्क्रू फिट कर दिए थे और एक नोब इसकी थी वहां पर हमने होल कर दिया था। तो दोस्तों उसके बाद ये एक इसका कवर आता है, सबसे पहले इसके कवर को लगा देंगे, उसके बाद दोस्तों हम इसे लगा देंगे। दोस्तों इसे लगाने से के बाद हमें नोब लगानी है, नोब में स्क्रू अब लगाना दोस्तों, कि जब आप इसे फिट कर ले और इसे चेक कर ले इसकी पोजीशन कैसी है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक कर रहा है क्योंकि ऑफ में बीच में और 1 नंबर और ये 2 नंबर, बस दोस्तों इसकी पोजीशन इतनी सी थी। और क्योंकि कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम इसे फिट ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से हम नोब ऐसे लगा देते हैं और हम स्क्रू टाइट कर लेते हैं। अब इस समय ये 1 इस साइड आ रहा है, तो यहाँ पर तो ब्लैंक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं है, ऑफ, और यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है, तो 2 की जगह दोस्तों ऑफ आ रहा था। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप ये चेक कर लीजिए, पहले चेक करने के बाद ही इसकी नोब नोब फिट करें, जिसकी वजह से आपको पता चले ऑफ 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये ऑफ। तो दोस्तों आप इसे टाइट कर लीजिए, तो दोस्तों ऐसी हमारे पैनल में भी दोस्तों हमें ऐसी दिखेगा जैसे अभी आपको दिख रहा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि हमने इसे टाइट क्यों करा, ये देखे दोस्तों बिल्कुल अब हिलेगा नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास एक और है, ये भी 4 पोल का, आप ये देखिए ये हिल रहा है, ये देखिए दोस्तों ये हिल रहा है। तो हिलता दोस्तों इसलिए क्योंकि हमने अभी इसमें स्क्रू लगा दिए, इसलिए ये नहीं हिल रहा है, और ये हिल इसलिए रहा है क्योंकि स्क्रू नहीं लगे हैं। तो अब आप देखिए दोस्तों ये ऑफ 1 1 और ये ऑफ और ये 2। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर एक ऑटो मैनुअल भी है हमारे पास, ऑफ ऑटो मैनुअल। दोस्तों इसकी फिटिंग भी ऐसी है जैसे मैंने आपको अभी खोल के दिखाई है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको इसका एक फंक्शन बताऊंगा कि इसे यूज कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट दोस्तों जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।